मैं अपनी आखिरी सांस तक पेड़ लगाऊंगा, ये शब्द ये बोल है मिस्टर जादव मुलायम पयांग के। आज मैं जिनकी लाइफ की स्टोरी आपके सामने सुनाने जा रही हूँ ना, ये बहुत ही इंस्पायरिंग है। मैं जितनी बार इनके बारे में पढ़ती हूँ, जानती हूँ, सुनती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मेरा मन है कि मैं एक बार जाके इनसे मिलूँ। अगर आप एक ट्रू प्लांट लवर है ना, तो ये पॉडकास्ट सुनने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप रिलेट कर पाएंगे, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। मैं ये इनकी जो स्टोरी है बहुत दिल से सुना रही हूँ, जिस भाव से मैं सुना रही हूँ उसी भाव से आप भी सुनिएगा। तो कहानी शुरू होती है सन 1979 में। असम में एक 10th क्लास का स्टूडेंट था ये पयांग जी, उस समय 10th क्लास में थे और अपने स्कूल से घर लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा सूखा एरिया है लैंड का और वहाँ पर बहुत सारे सांप मरे हुए। अब मैं भी कहीं देखूं 6-7 सांप बड़े बड़े मरे हुए तो एक सरप्राइज होता है ना, लगता है ना कि यहाँ पे क्या हुआ है, नेवले आए थे या सांप में लड़ाई हो गई थी या किसी ने जहर दिया एंड ऑल दैट। तो ये कोई 6-7 सांप नहीं थे, ये 100 से भी ज़्यादा सांप थे। इन्होंने आसपास पता किया तो पता चला कि ये जो एरिया है ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पे है और यहाँ पर बाढ़ आई थी, बाढ़ में सांप आए थे, लेकिन चूंकि यहाँ पर बंजर जमीन है तो पानी नहीं रुका, गर्मी से पानी उड़ गया, बह गया पानी और जो सांप हैं वो मर गए। अब ये सुन के और इतने सारे सांपों को मरा हुआ देख के पयांग जी बहुत दुखी हुए, उन्हें बहुत कष्ट हुआ, अंदर से वो झकझोर गए। उन्हें ऐसा लगा कि आज अगर ये सांप मरे हैं तो कल और जानवर मरेंगे और हम इंसान भी ऐसे ही मरेंगे। और उन्होंने ठाना कि मैं यहाँ पर पेड़ लगाऊंगा। एक्चुअली मैं आपको एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताती हूँ, जिस एरिया में बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वनस्पति होती है, पौधे होते हैं, वहाँ पर नेचुरल पानी का सोर्स हो जाता है, वहाँ पर बारिश भी खूब होती है और वहाँ पर ना ग्राउंड वाटर भी आपको काफ़ी मिलेगा। तो उन्होंने सोचा कि मैं अब यहाँ पर पेड़ लगाऊंगा। ये दिन इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, ये दिन असम के लिए, इंडिया के लिए, वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट करने वाला था और उस दिन जन्म हुआ है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया का। अब इन्होंने ठान लिया कि मैं पेड़ लगाऊंगा। ये डेली यहाँ पे पेड़ लगाते थे। शुरू में इन्होंने 10 बैम्बू के पेड़ लगाए, फिर कपास के लगाए, धीरे धीरे करके इन्होंने पेड़ों की क्वांटिटी बढ़ाई, कभी एक लगाते, कभी दो, कभी 10, कभी 15, जैसे भी हो, लेकिन इन्होंने डेली पेड़ लगाए हैं। अब चूंकि ये बंजर जमीन थी तो यहाँ पर खेती करना कोई आसान नहीं था, बहुत कठिन था। कभी बाढ़ आ जाती, पेड़ बह जाते, कभी बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती, कभी नदी का जो पानी का स्तर है वो बढ़ जाता था, बह जाते थे, कभी धूप बहुत ज़्यादा। एक्चुअली जो ज़मीन में खेती होती है और वो भी बंजर जमीन में, बहुत कठिन होती है। तो वो लगे रहे, एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, बहुत साल लगे रहे। तो हुआ क्या कि जो आसपास के लोग थे उन्होंने उनको राय दी, पहले तो उनका मजाक उड़ाया, फिर उनको राय दी कि तुम ये गलत कर रहे हो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, क्योंकि इनके जो क्लासमेट्स थे, फ्रेंड्स थे, वो सब पढ़ लिख के अपना करियर बना रहे थे। इन्होंने ना तो अपने करियर को देखा, पढ़ाई तो एक कोने पे ये सिर्फ पेड़ लगा रहे थे। दूसरी चीज़, इनके पास उतने पैसे नहीं थे, कोई बहुत रईस फैमिली से नहीं थे कि लोग इनको पेड़ पौधे दे रहे हैं या इनके नौकर चाकर लगे हैं, इनको पेड़ मिल रहे हैं, किसी ने इनको स्पॉन्सर भी नहीं किया था कि आप पेड़ लगाइए, और ना तो ये किसी के माली थे कि आपको महीने की सैलरी मिलेगी, पेड़ लगाइए, ऐसा कुछ भी नहीं था, ये अपने दम पे जितना हो सकता था पेड़ लगाते थे। तीसरी चीज़, इनके पास कोई हेल्पर नहीं था, ये अकेले काम करते थे, है ना। और मेन चीज़ ये है कि ये कोई ऐसा भी नहीं है कि फ्यूचर के बारे में सोच रहे हों, मतलब जैसे कोई कहीं पे कोई प्लांट लगाता है, बिजनेस करता है, तो उसको लगता है ना कि शुरू में हम काम कर रहे हैं, आगे जाके हमको आमदनी होगी, हमारा बिजनेस खड़ा होगा, ऐसा भी कुछ नहीं था। इन्हें बस एक सनक थी, जो एक सनक होती है ना, वो जिस काम में हो जाए ना वो काम बहुत अच्छा हो जाता है। इन्हें सिर्फ एक सनक थी, वो थी पेड़ लगाने की। इन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होगा, कितने दिन लगेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इन्हें बस ये पता था कि मुझे पेड़ लगाने हैं। ये डेली पेड़ लगाते थे,
उनकी केयर करते थे, नदी से पानी लाते थे, जैसे भी हो सकता था ये पेड़ लगाते थे। और कोई एक दिन, दो दिन, दस दिन, छः महीने, एक साल, दस साल, बीस साल नहीं, पूरे 40 साल, अपनी लाइफ के 40 साल इन्होंने यहाँ पर पेड़ लगाए हैं। और ज़मीन आपको पता हो, कोई ऐसा नहीं है कि 1200 स्क्वायर फिट थी या कोई 120 स्क्वायर मीटर थी, ऐसा कुछ नहीं। एक एकड़, दो एकड़ नहीं थी, 1360 एकड़ ज़मीन में इन्होंने अकेले अपने दम पे पेड़ लगाए। आज 40 साल बाद जहाँ पर घास भी नहीं उगती थी ना, आज वहाँ पर इतना खूबसूरत, इतना अच्छा जंगल है। आज यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा जड़ी बूटियाँ हैं। और सिर्फ पेड़ पौधे नहीं हैं, बहुत खूबसूरत इन्होंने गार्डनिंग की है वहाँ पे, और जंगली जानवर है, बंगाल टाइगर्स हैं, बड़े बड़े हाथियों के झुंड हैं, गैंडे, राइनोसोरस हैं, बियर हैं, डियर हैं, स्नेक भी होंगे ही, बहुत सारे पशु पक्षी सब कुछ है इनके यहाँ पर। और मेन चीज़ ये है कि इन्होंने इसका कभी प्रचार नहीं किया। ये अभी भी वहीं पास में रहते हैं, केयर करते हैं, कोई पेड़ नहीं काट सकता है ना, पेड़ नहीं काटने देते हैं ये। तो हुआ क्या कि एक बार एक जर्नलिस्ट ने देखा कि कुछ हाथियों का झुंड इस तरफ जा रहा है, तो उसने देखा कि यहाँ तो बहुत ही खूबसूरत जंगल है। जब पता चला तो ये हुआ कि ये इन्होंने अपने हाथों से ये जंगल बनाया है। तब उन जर्नलिस्ट ने इनकी स्टोरी हम लोगों के सामने प्रेजेंट की है, तब हमें इनके बारे में पता चला है। अब तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी इनको सपोर्ट करता है। और मेन चीज़ ये है कि जो JNU में 2012 में JNU ने इनको उपाधि दी थी फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया की, और ये डिज़र्व करते हैं। मेन चीज़ ये है कि इस पूरे फॉरेस्ट का नाम रखा गया है मोलाई फॉरेस्ट, इनका जो मिडिल नेम है इसके नाम से ये फॉरेस्ट है। भारत सरकार ने इनको पद्मश्री की भी उपाधि दी है, जो एक बहुत बड़ी सम्मानित उपाधि है। और एक बड़ी बात यह है कि ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड ये बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड स्टूडेंट्स इनके पास आते हैं, इनके पास रहते हैं हफ्तों, इनसे सीखते हैं कि कैसे प्लांट कल्टीवेशन करना चाहिए, कैसे उगाना चाहिए, बंजर ज़मीन में कैसे खेती करनी चाहिए, पूरी क्लासेस लेते हैं, सीखते हैं। ये हम सबको मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं। तो लाइक ऑल ओवर वर्ल्ड इनका नाम है, इनके नाम पे बुक्स हैं, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, मूवीज़ हैं। और मेन चीज़ क्या है, इन्होंने ना जब ये खेती कर रहे थे तो आसान नहीं था, इन्होंने क्या किया कि थोड़ा थोड़ा सीखा, थोड़ा समझा वक्त के साथ साथ। अब 10th क्लास का स्टूडेंट है, उसने कितनी ही खेती कर ली होगी, अगर अपने घर पे भी उनके यहाँ खेती बाड़ी होती भी होगी तो कितनी कर ली होगी, लेकिन एक्चुअल खेती इन्होंने 10th के बाद से, जब इन्होंने डिसीजन लिया था उसके बाद से शुरू की थी। तो इन्होंने कोई डिग्री नहीं ली एग्रीकल्चर की, लेकिन जो एक्सपीरियंस है, जो प्यार है, जो इनकी सनक थी, जो इनकी जिद थी, उसने इनको इतना सिखाया। इन्होंने ना क्या किया कि अलग अलग तरीके के प्लांट्स लगाए, फिर इन्होंने जो नेटिव प्लांट्स थे उन पर फोकस किया, थोड़ी थोड़ी आइडिया लिया कि भाई ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है। जैसे हम लोग जब गार्डनिंग करते हैं ना, तो हम भी देखते हैं कि पहले कुछ प्लांट्स लाए, ये सेट हो रहे नहीं हो रहे, फिर हम धूप का देखते हैं, पानी का देखते हैं, कुछ चेंजेस करते रहते हैं ना, जब तक पूरा सेट नहीं हो जाता। तो इन्होंने भी बहुत दिमाग लगाया, कई सालों की मेहनत है इनकी। देखिए, ये जो सनक होती है ना किसी भी काम को करने की, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसी और काम की सनक है, जैसे सपोज़ आपको स्वेटर बुनने की सनक है ना, आपको जोश आ गया है कि मैं करके दिखाऊंगी, बट मुझे ऐसा फील होता है, ये मैं किसी को बोल नहीं रही हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, कि मुझे बीच में बड़ा जोश चढ़ा था लेकिन फिर वो जोश ठंडा हो गया, फिर मुझे डांस का बहुत जोश चढ़ा फिर वो ठंडा हो गया। लेकिन गार्डनिंग में अगर आप एक बार घुस गए हो तो ये जो नशा है ना, ये चढ़ता जाता है, फिर आप कुछ बैक नहीं देखोगे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं इनकी तरह जो गार्डनिंग में इंस्पिरेशन है। तो अगर आप गार्डनिंग कर रहे हो तो बिल्कुल प्राउडली आप गार्डनिंग करो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी लोग हो, कम से कम हर घर में 10 पौधे तो होने चाहिए, इंडोर हो, आउटडोर हो, सकलेंट हो, जैसे भी हो, लेकिन एटलीस्ट 10 पौधे होने चाहिए। अगर हम सबके घर पे 10-10 पौधे भी हैं तो वो बहुत है। हम एक्चुअली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नेचर के लिए, ऐसे ही करते रहिए, मोटिवेशन लेते रहिए। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आपके घर में कोई भी गमला खाली पड़ा है
कुछ तो उगाइए, कहीं से कटिंग ला के लगा दीजिए, घर में इतनी सारी सब्जियां आती हैं उनके बीज होते हैं वो लगा दीजिए, कुछ भी करिए लेकिन गार्डनिंग करते रहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमको मेंटली फिजिकली फिट रखता है और इसका जो नशा है ना वो चढ़ता ही जाता है क्योंकि हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आज की जो इंस्पायरिंग स्टोरी थी वो मिस्टर पयांग के ऊपर थी। नेक्स्ट स्टोरी भी एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टोरी के साथ मैं जल्द आऊँगी। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है और आप ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा। शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।